ये देखिए, ये पोछा लगाने वाली बाल्टी है। पानी का हार्डनेस इतना ज़्यादा है कि पूरे ही बाल्टी में इस तरह से वाइट वाइट ये जम गया है, अंदर बाहर, बाहर तो थोड़ा कम है, अंदर ज़्यादा है। तो इसे हटाना बहुत मुश्किल नहीं है, इसे आप कम मेहनत में कैसे हटा सकते हैं वो मैं आपको अभी तुरंत बताती हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हाथ में इस तरह का ग्लव्स पहन लें। आपके पास यदि ग्लव्स नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का कवर पहन लें, और ये ब्लू हार्पिक ले लें और इस बाल्टी में डाल दें। इसे हम बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे। और मेरे पास एक क्लीनिंग एसिड है, आप कोई सा भी टॉयलेट क्लीनर हो या फिर कोई सा भी एसिड ले लें और उसे जिसमें आप हार्पिक डाले हुए हैं उसी में ऐड कर दें। आप नाक को दूर रखें, उसका स्मेल नाक में ना जाए, इतनी दूर रहें। और इसे एक बार पूरे बाल्टी में इस तरह से मिला दें। इसे चारों तरफ से अच्छे से लगा के रात भर के लिए छोड़ दूंगी। यदि आप दिन के समय से लगा रहे हैं तो करीबन 2 से 3 घंटा तक यूं ही छोड़ दें। इसे घसने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मिला दें और सुबह में एक बार सिर्फ पानी से और स्क्रब से अच्छे से साफ़ कर दें। बिल्कुल 2 मिनट का टाइम लगेगा सुबह के समय इसे साफ़ करने में। तो चलिए अब सुबह इसका रिजल्ट देखते हैं। आप सभी का गृहिणी की नौकरी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये छोटी टिप्स बहुत ही उपयोगी है। लगभग बहुत सारे घर में हमें ये प्रॉब्लम मिलती है, बाल्टी में अक्सर वाइट जम जाता है तो उसे निकालना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस टिप्स से आप इसे मात्र 2 मिनट में निकाल सकते हैं। बस इसे भिगो के रात भर छोड़ दें या 2-3 घंटे छोड़ दें, तो इसका रिजल्ट मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। मेरे वीडियोस में आपको एक दिन कुकिंग से रिलेटेड और एक दिन इसी तरह से सेहत से रिलेटेड टिप्स या फिर किचन से रिलेटेड टिप्स, जो कि मैं पूरी तरह से सर्च करके ही आप सभी को बताती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो में कोई भी फेक होने की संभावना ही नहीं है। तो आप मेरी वीडियो फ्री होके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा करें, इसके बाद खत्म होने के बाद अगली वीडियो में फिर कुछ नए के साथ मिलूंगी। सुबह का वक्त हो चुका है, आप अब इस बाल्टी को देख सकते हैं जिसमें मैं रात को एसिड और हार्पिक मिक्स करके इसके चारों तरफ लगाई थी। ये ऑलमोस्ट 80% साफ हो चुका है, 20% जो है अब स्क्रब से इसे साफ कर देती हूँ। यदि आप बाल्टी तुरंत ही साफ करना चाहती हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप इसमें हार्पिक ना डालें वाइट डिपॉजिट में, सिर्फ आप एसिड डाल दें चारों तरफ और सिर्फ 2 मिनट आप इंतज़ार करें। 2 मिनट में सभी वाइट डिपॉजिट खुद ब खुद निकल जाएगा। थोड़ा बहुत होगा तो आप उसे स्क्रब से निकाल दें और फिर पानी से धो लें। यदि आपकी बकेट में वाइट डिपॉजिट नहीं है, वो यूज़ करते करते गंदी हो गई है, तो आप उसमें हार्पिक और एसिड दोनों मिक्स करके डाल दें, थोड़ी मात्रा में डालें और उसे चारों तरफ मिला दें और उसे रात भर के लिए छोड़ दें और फिर सुबह उसे स्क्रब करके पानी से धो दें, तो आपकी बाल्टी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। कौन कहेगा कि ये वही बाल्टी है जिसमें रात को इतना ज़्यादा गंदा था। अभी आप देखिए इसकी सफाई कैसी हुई है और मेहनत के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया है। इस बकेट में मैं प्यूरीफायर का वेस्ट हार्ड वाटर कलेक्ट करती हूँ, इस वजह से वो इतना ज़्यादा इसमें वाइट डिपॉजिट हो गया था और बाद में मैं इससे पोछा लगा लेती हूँ। तो चलिए अगली वीडियो में फिर कुछ नए के साथ मिलूंगी, कुछ अच्छी टिप्स के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।